और भाई क्या हाल है? तो आज मैं और विकास, जो कि आज कैमरामैन बना हुआ है, हम लोग जा रहे हैं पोर्टल हाउसिंग। सो जस्ट अभी हम लोग पोर्टल हाउसिंग के स्टॉप पे उतरे और अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइट हाउस है ना विकास? हाँ, कुछ लाइट हाउस है एक एक्चुअली। वैसे पोर्ट डलहौजी ना काफ़ी बढ़िया जगह है, किसी को अगर क्राइम्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीरियल किलर रह रहा था, मुझे याद नहीं कौन से साल में, बट बाय द वे अभी ज़िंदा है और शायद जेल में है। कभी टाइम मिले तो थोड़ा देख लेना, जिसको इच्छा हो उसके ऊपर सर्च कर लें कि सेंट कैथरीन्स पोर्ट डलहौजी में एक कपल थे, वो दोनों सीरियल किलर थे, उसके बारे में। तो वो जो है ना वो है लाइट हाउस, उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था, है ना? हाँ सही है, बट ठीक है, दिखा दो। तूने देखा इससे पहले लाइट हाउस? इससे पहले नहीं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। एक कोई तो पिक्चर आया था, याद है तेरे को, भूत अंकल करके, उसमें था लाइट हाउस, वो इसका जैकी श्रॉफ का था, मुझे याद है बचपन में। एनीवे काफ़ी सुंदर जगह है यार ये, बहुत एकदम क्लीन वाटर लग रहा है, पता नहीं कितना क्लीन है एक्चुअल में, दिखने में तो लग रहा है कम से कम। बाय द वे कनाडा में बहुत सारे बीचेस हैं और बहुत सारे लेक्स हैं, सबसे फेमस वाला जो है वो बैंफ में मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। तुझे पता है ना वो वाला बैंफ का एक लेक? लाइक लिटरली वहाँ पे एक टाइम होता है जब विंटर चालू हो गया रहता है ऑलमोस्ट, या होने वाला होता है, तब वहाँ पे पूरी जगह पे, पूरे पहाड़ों के बीच में है वो लेक, और पहाड़ों पे पूरा बर्फ़ रहेगा, लेकिन वो लेक का जो पानी है ना ठंडा रहेगा, लेकिन वो बर्फ़ नहीं बना होगा, और उसके बाद वो पूरा बर्फ़ में रहता है। वो इतना सीनिक ब्यूटी लगती है ना, अगर मुझे फ़ोटो दिखा तो मैं डालूंगा उसको इसमें क्लिप में एक, पर बहुत सही है। एक यूट्यूबर है और फोटोग्राफर है, पीटर मैकेनिन करके, उसका एक वीडियो है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है वीडियो का, बट उसका भी लिंक डालता हूँ मैं नीचे। उसने वो फ़ोटोग्राफ लिया है और वो वीडियो उस फोटोग्राफ की जर्नी है, कैसे वो उस फ़ोटो को लेने गया, किस टाइम पे गया, बहुत बहुत मस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो या बेसिकली कनाडा लेक्स, बीचेस, वाटर बॉडीज और फॉरेस्ट के लिए भी बहुत फेमस है। अगर किसी को बोटिंग का शौक है ना, वो यहाँ पे बोट रेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लाइसेंस होता है, वो भी सस्ते में मिल जाता है, पर बोट रेंट करने का थोड़ा लगता है, पर अगर ग्रुप में हो तो बढ़िया हो जाता है यार, दो चार घंटे के लिए रेंट करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो पूरा। अभी थोड़ा सा मैं पानी में पैर पानी में डाल के आऊँगा, पता नहीं कैसा होगा टेम्परेचर, लेट्स सी। आज का बीच का दिन काफ़ी सही रहा, तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे और फिर मैं और विकास यहाँ से घर जाएंगे। सो ये रहा पोर्ट डलहौजी, इसके बाद प्लान करता हूँ मैं कहीं और, किसी और पोर्ट पे अगले समर वगैरह जाने का। सो लेट्स सी। एनीवेज गाइस, जिसको वीडियो पसंद आया वो लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।